वेल फ्रेंड्स, आज हम बात करेंगे बॉस मैनेजमेंट पर। वर्तमान में हमारे कॉरपोरेट्स में और हमारे पर्सनल लाइफ में, प्रोफेशनल लाइफ में काफ़ी स्ट्रेस बढ़ गया है और अभी सबको अपने परफॉर्मेंस टारगेट पूरे करने के लिए बहुत मेहनत करनी पड़ रही है। कभी कभी यह भी देखने में आता है कि यदि आपके और बॉस के रिलेशन ठीक नहीं है तो आपका टारगेट अचीव करना और टारगेट को फुलफिल करना कभी कभी स्ट्रेसफुल एक्टिविटी में कन्वर्ट हो जाता है। तो आज हम बात करेंगे हाउ टू मैनेज ए बॉस। किसी भी कॉरपोरेट में, किसी की भी पर्सनल लाइफ में, किसी भी प्रोफेशनल लाइफ में तीन डेजिग्नेशंस को समझना बहुत आवश्यक है। सबसे पहला है बॉस, जो कॉरपोरेट में, जो पॉलिटिक्स में, जो प्रोफेशनल लैंग्वेज में बहुत यूज किया जाता है और जिसका अपना एक महत्व है, एक उसका मीनिंग है, उसकी एक अपनी सार्थकता है। बॉस का मतलब है कि एक ऐसा स्वामी जो अपने बिजनेस को, अपनी एक्टिविटी को मैनेज करता है, डायरेक्ट करता है, कंट्रोल करता है, लोगों को आदेश देकर और लोगों से काम कराकर अपने एक एरोगेंट मैनर में। वह लोगों के साथ मिलता नहीं है, लोगों को अपने से अलग समझता है और वह केवल कंट्रोल और ऑर्डर देकर, आदेश और नियंत्रण करके अपना काम कराना चाहता है। यह बॉस की वर्तमान में परिभाषा है। दूसरी परिभाषा है लीडर की, एक कुशल नेतृत्व व्यक्तित्व की। वह सबके साथ इम्पैथेटिकली बात करता है, लोगों की बात को सुनता है, उनकी प्रॉब्लम्स को रियलाइज करता है, अपने विजन को पहले उनको समझाता है, फुलफिल कराता है। वह सबको अपने साथ लेकर चलता है और खुद सबके साथ प्रॉब्लम्स में भागीदार बनता है। उनको सदैव मोटिवेट और एस्पिरेशंस दोनों बढ़ाता है और लोगों के प्रति उसका बिहेवियर सदैव इम्पैथेटिकल रहता है। वह लोगों के साथ इम्पैथी की बात करता है, इम्पैथेटिकल बिहेवियर में रहता है। तीसरा एक शब्द है मैनेजर, जो कभी कभी देखने को मिलता है और कॉरपोरेट में एक डेजिग्नेशन है। ए मैनेजर इज ए पर्सन रेस्पॉन्सिबल फॉर सुपरवाइजिंग एंड मोटिवेटिंग। वह केवल आपके काम को सुपरवाइज करेगा और आपको मोटिवेट करेगा, जो कंपनी की स्कीम आएंगे उनको लागू कराएगा और आपकी प्रोग्रेस को, आपकी सफलता को आगे बढ़ाने में केवल डॉक्यूमेंट्री का काम करेगा। और वह कभी सिंपैथेटिकल, कभी कमांडिंग मोड में रहता है। तो ये तीन शब्द समझना बहुत आवश्यक है और दो ही वर्तमान में देखने को मिलते हैं, बॉस और लीडर। आपको मैं कुछ एग्जांपल दिखा रहा हूँ जहाँ ये प्रॉब्लम्स आती हैं। बॉस किसी प्रॉब्लम के आने पर खुद अलग बैठ जाता है और लोगों को डायरेक्ट करता है, लोगों को कंट्रोल करता है, जबकि एक लीडर उनके साथ लगकर उस प्रॉब्लम के सॉल्यूशन का हल खोजता है और सबसे आगे खुद खड़ा होता है। He can take lead, that is why he called leader. दूसरे ये कुछ examples हैं जहाँ offices में आए दिन boss versus employee के कुछ वार्तालाप होते हैं, कुछ meetings होती हैं, कुछ dialogues होते हैं, कुछ relations बनते हैं, कुछ stressful हो जाते हैं, कुछ equations बनती हैं, कुछ equations बिगड़ती हैं, किसी को support मिलता है, किसी को support नहीं मिलता है, किसी की activity को अप्रिशिएट किया जाता है, किसी की एक्टिविटी को अप्रिशिएट नहीं किया जाता। ये बहुत सारे उदाहरण हैं। अब एक अच्छे बॉस को मैनेज कैसे किया जाए, तो आज जो हमारा सब्जेक्ट है, जो विषय है, वह है बॉस मैनेजमेंट का। इसके बात करने से पहले मैं आपको यह सबको निवेदन करता हूँ कि आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें और बेल आइकॉन दबाकर यह सुनिश्चित करें कि इस तरह के वीडियो सबसे पहले आपको मिले, ताकि आप अपनी लाइफ से स्ट्रेस दूर कर सकें और सेटिस्फैक्टरी, हैप्पीली अपनी लाइफ को एंजॉय कर सकें। तो आज हम बात कर रहे थे बॉस मैनेजमेंट की। सबसे पहला है बिल्ड और डेवलप द ट्रस्ट। आप बॉस के साथ अपनी रैपो इस तरह की बनाइए कि आपका बॉस
आप पर विश्वास करने लगे, और जो विश्वास करता है वह दिनों दिन डेवलप होता रहे, बढ़ता रहे, विश्वास में घटोती ना हो, कटौती ना हो। आप अपना विश्वास सदैव बॉस के साथ बना के रहिए। और विश्वास बनाने के लिए हाउ टू बिल्ड ट्रस्ट, मैंने एक अलग वीडियो बनाया, वह देख सकते हैं। नंबर दो है पैडल इन द सेम डायरेक्शन। आप उसी डायरेक्शन में काम कीजिए जिस डायरेक्शन में आपका बॉस काम कर रहा है। यदि आप बॉस की डायरेक्शन में काम नहीं करेंगे तो आपके और आपके बॉस के रिलेशन कभी भी मजबूत नहीं होंगे, और जो हम बिल्ड ट्रस्ट या डेवलप ट्रस्ट की बात कर रहे थे वह नहीं होगा। आप सदैव कन्फ्रंट्रेशन में रहेंगे, आपकी लाइफ भी और बॉस की लाइफ भी, दोनों की लाइफ मिजरेबल बनी रहेगी। नंबर तीन है बी श्योर व्हाट हाउ एंड व्हेन। यह जानना बहुत आवश्यक है कि आपका बॉस क्या चाहता है, कैसे चाहता है और कब चाहता है। इसीलिए आपकी लाइफ में इन तीनों शब्दों का महत्व होना बहुत जरूरी है। आप चाहे कॉरपोरेट में हो, आप चाहे पॉलिटिक्स में हो, आप चाहे किसी भी अपने प्रोफेशन में हो, इवन आपकी पर्सनल लाइफ में भी, तो व्हाट हाउ एंड व्हेन आपको पूरी तरह बॉस के साथ अलाइन होना बहुत आवश्यक है। आप यदि इन तीन चीजों को अलग करेंगे तो आपके रिलेशनशिप कभी भी हारमोनियस नहीं बन पाएंगे। नंबर चार है डोंट वेट फॉर रिमाइंडर बी प्रोएक्टिव। सदैव आप अपने काम में प्रोएक्टिव रहिएगा, जैसे ही काम आया पूरा करके आप बॉस को पास बता दीजिए, यस बॉस आई हैव डन माय जॉब नाउ इट्स योर टर्न। और यदि आप रिमाइंडर का वेट करेंगे तो आज स्पीड इतनी ज्यादा हो गई है इस डिजिटलाइजेशन के, इस कंप्यूटराइजेशन की लाइफ में अब रिमाइंडर का टाइम नहीं है, और रिमाइंडर में टाइम लगता है, तो आपकी नेचर में हमेशा प्रोएक्टिवनेस बनी रहनी चाहिए। नंबर पांच है सपोर्ट हिज और हर सक्सेस। आप जो बॉस का विजन है, वो जो बॉस का मिशन है या ऑर्गेनाइजेशन का विशन मिशन जो बॉस के साथ अलाइन है, उसके आप एक पार्टनर बनिए, उसको सक्सेस में सपोर्टर बनिए। आप उसकी सक्सेस को बढ़ाने के लिए, क्योंकि आपका टारगेट उसके टारगेट में मर्ज है, उसकी सक्सेस तभी होगी जब आपके टारगेट्स अचीव होंगे। यदि आपके टारगेट्स अचीव नहीं होंगे, आपके गोल्स अचीव नहीं होंगे, तो उसके टारगेट भी अचीव नहीं हो सकते, तो आप उसके सक्सेस का एक हिस्सा बनिए। नंबर छः है बी ए पार्ट ऑफ सॉल्यूशन नॉट ए प्रॉब्लम। ऑर्गेनाइजेशन में बहुत सारे प्रॉब्लम्स इस वूका वर्ल्ड में आती रहती हैं। वोलोटाइल वर्ल्ड है, अनसर्टेन वर्ल्ड है, कॉम्प्लेक्स है, तो इस लाइफ में बहुत सारी प्रॉब्लम्स आती रहती हैं, तो आप प्रॉब्लम्स का हिस्सा मत बनिए, आप सॉल्यूशन का हिस्सा बनिए। आपके मन में जो भी विचार आते हैं, जितने सॉल्यूशन आते हैं, ओपनली बॉस के साथ डिस्कस कीजिए। यदि बॉस को उनमें कोई अच्छा लगता है तो आप उनमें काम कीजिएगा। और मैं यहाँ एक बात आपको अपने रामचरितमानस से भी सुनाना चाहता हूँ। बहुत सारे लोग हमेशा बॉस की यस बॉस में लगे रहते हैं, वह अच्छी बात नहीं है। वहां लिखा है सचिव वैद्य गुरु तीन जो प्रिय बोलई भय आस, राज धर्म तन तीन ही होए है बेग ही नास। यदि सेक्रेटरी, डॉक्टर और आपका कोच, गुरु, मेंटर, बॉस, यदि कोई भी इन सब में से आपको मीठा बोलता है, किन्हीं किन दो बातों से, दो कारणों से, एक तो या तो आपसे डरता हो कि आपकी उसके माइंड में बहुत ज्यादा फियर हो, फियर किन्हीं कारणों से भी हो सकता है, और दूसरा उसे कुछ आपसे आशा हो। आपसे इन दो चीजों से यदि आप डर करके वो झूठ बोलेंगे, हमेशा बॉस की हाँ में हाँ मिलाएंगे, सही बात नहीं करेंगे तो भी, और या बॉस को हमेशा प्रॉब्लम्स में फंसा के रखेंगे, तो आपके रिलेशन मजबूत नहीं हो सकते हैं। इसलिए रामचरितमानस से भी आपको कुछ चीजें जानना समझना आवश्यक है। नंबर सात है नो सरप्राइजेस। बॉस की लाइफ में कभी कोई सरप्राइज मत दीजिएगा, जो हो पहले बताइएगा, वेल इन एडवांस इट इन फॉर्म। आपको छुट्टी जानी है पहले बताइए, आपको कोई और काम है तो पहले बताइए,
आपको कुछ भी चीजें हैं बॉस को सरप्राइज मत दीजिएगा। आपके बजट की शॉर्टेज है, आपको कोई प्रॉब्लम आने वाली है, आपको कोई पर्सनल वर्क पर छुट्टी जाना है, तो ये सब चीजें बॉस के साथ वेल इन एडवांस इन्फॉर्म कीजिए, चर्चा कीजिए, उनका सॉल्यूशन, उनका अल्टरनेट अरेंजमेंट करके ही कीजिएगा। नंबर 8 है, टेक द हाई रोड, योर पर्सनल ब्रांड इज राइडिंग ऑन इट। इसका मतलब है कि आप स्मार्ट वर्किंग कीजिए और अपना पर्सनल ब्रांड, अपनी एक इमेज बनाइए, ही इज ए गुड वर्कर, ही इज ए बेस्ट वर्कर। आप बॉस के साथ अलाइन होकर, ऑर्गेनाइजेशनल मिशन और विजन के साथ अलाइन होकर, ऑर्गेनाइजेशन के एक सपोर्ट का हिस्सा बनिए। नंबर 9 है, अडेप्ट टू योर बॉस स्टाइल। आप यदि कहीं कुछ कन्फ्रंट्रेशन होता है तो बॉस की स्टाइल को अडॉप्ट कीजिए, जो चीज़ें बॉस को पसंद हैं और ऑर्गेनाइजेशन का जिनसे बुरा नहीं हो रहा है, दे आर कंट्रीब्यूटिंग टू अचीव द ऑर्गेनाइजेशन गोल, यू कैन अडॉप्ट दोस स्टाइल्स। नंबर 10 है, डोंट कन्फ्रंट योर बॉस इन क्राउड। कभी भी मीटिंग्स में या भीड़ में अपने बॉस को कन्फ्रंट मत कीजिए। यदि कोई डिफरेंस ऑफ ओपिनियन है, डिफरेंस ऑफ थॉट है, तो अकेले में बॉस से 1-to-1 बात कीजिए। कभी भी पब्लिकली या मीटिंग्स में कन्फ्रंट मत कीजिए। नंबर 11 है, एंटिसिपेट एक्सपेक्टेशंस। आप बॉस आपसे क्या एक्सपेक्ट करता है, उन चीज़ों को एंटिसिपेट कीजिए। आपकी एंटिसिपेशन पावर शुड बी वेरी हाई। आपको पता होना चाहिए कि ऑर्गेनाइजेशन में क्या चल रहा है, मेरा बॉस मुझसे क्या मांग सकता है, हाउ आई कैन हेल्प द बॉस, तब आपके रिलेशन, आपका लॉयल्टी लेवल, आपका ट्रस्ट लेवल विल ऑटोमेटिकली इंक्रीज। नंबर 12 है, गिव योर बॉस चांस टू रेस्पोंड। सदैव बॉस को आप अपनी बात पहले कहने दीजिए। हो सकता है कि बॉस का विजन आपसे बड़ा है, बॉस का एक्सपीरियंस एक्सपोजर आपसे बड़ा है कि उसके पास कोई अच्छा सॉल्यूशन हो, और वही बात आप भी कहना चाह रहे हो, तो पहले जब तक आप बॉस से ना पूछे तब तक आप मीटिंग्स में पहले मत बोलिए। हाँ, कभी कोई सजेशन देने जाना है तो 1-to-1 जाइए और जरूर दीजिएगा, लेकिन बॉस को बात को कभी क्रॉस मत कीजिए। अवॉइड ऑलवेज क्रॉसिंग्स एंड कन्फ्रंटेशंस। और नंबर 13 जो सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट मुझे लगता है, कि चेंजिंग बिहेवियर्स। आप अपने अपने बिहेवियर को चेंज करते रहिए, जैसा बॉस चाहता है, जो बॉस चाहता है। यदि आपको बॉस मिला है तो बॉस का बिहेवियर कीजिए, मैनेजर मिला है तो मैनेजर जैसा बिहेवियर कीजिए, और आपको लीडर मिला है तो लीडर के साथ लीडर जैसा बिहेवियर कीजिए। यदि आप अपनी लाइफ में इन 13 बातों का ध्यान रखेंगे तो आपकी लाइफ बढ़िया चलेगी, आपके प्रमोशन के चांसेस बहुत अच्छे होंगे, आप उसकी टीम के अच्छे मेंबर होंगे, आपकी ऑर्गेनाइजेशन में रेस्पेक्ट अच्छी होगी, सब लोग आपको लाइक करेंगे, और आपका लोगों के साथ काम कराने में, आपकी नेटवर्किंग बनने में आपको मदद मिलेगी। बॉस भी मदद करेगा और आप बॉस की मदद करेंगे। कभी कभी ऐसा भी देखने में आता है कि जब बॉस की और आपकी कन्फ्रंट्रेशन हो जाती है तो बॉस इस तरह के सबॉर्डिनेट को लाइक करता है, जो कभी कुछ ना बोलें, बॉस के अगेंस्ट कुछ ना देखें और बॉस के अगेंस्ट कुछ ना सुना। यह आज की कहावत नहीं है, यह गांधी जी के 3 बंदर आज के नहीं हैं। बुरा न बोलो, बुरा न देखो, बुरा न सुनो। उसका नया वर्जन यही है कि आप जब बॉस के साथ, आपको पता है कि आपका बॉस बॉस स्टाइल में काम करता है, लीडरशिप स्टाइल में काम नहीं करता है, तो इन 3 चीज़ों का अवश्य ध्यान रखें। और एक बात और भी है, बॉस लाइक करता है तो आपको इस बात का भी ध्यान रखना है कि इन क्राउड ऑलवेज लिसन द बॉस, हमेशा बॉस की सुनिए भीड़ में, और जो बॉस कह रहा है उसको केवल सुनना और ऑब्जर्व करना। यदि कोई उसमें बदलाव करना है तो आप अकेले में जाइए और बात कीजिए। आज के इस बॉस मैनेजमेंट वीडियो में इतना ही, आपसे फिर शीघ्र मिलेंगे नया वीडियो लेकर के। तब तक आपका मेरे इस वीडियो को देखने का
समझने का बहुत बहुत